दोस्तों, सेब को खाने का सही तरीका जान लो, अन्यथा फायदे की बजाय हो सकते हैं नुकसान। आपने शायद एक कहावत तो सुनी ही होगी, दिन में एक सेब आपको डॉक्टर से बचा सकता है। यह 100% सही है। सेब हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यह हमारी प्रतिरक्षा शक्ति यानी इम्यून पावर को बढ़ाता है। लेकिन इसे दिन में कभी सेवन नहीं किया जा सकता है, या फिर उचित लाभ लेने के लिए इसके सेवन का समय निर्धारित किया गया है। आयुर्वेद भी हमें विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों या दवाओं को किसी निश्चित समय में सेवन करने की सलाह देते हैं। इसी तरह सेब को भी निश्चित समय में सेवन करने से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं, अन्यथा उससे हमें हानि भी हो सकती है। सेब को खाने का सही समय सुबह का समय होता है। काफी अध्ययन बताते हैं कि आपको सुबह के समय एक सेब खाना चाहिए। शोधकर्ता ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सेब में पेक्टिन नामक आहार फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कि सेब के छिलकों में पाया जाता है। अधिकांश लोगों में गलत खान पान और देर रात तक जागने के कारण पाचन की समस्या आ जाती है। उनकी पाचन क्रिया काफी स्लो काम करने लग जाती है, इसलिए सुबह जागने के बाद सेब का सेवन उनकी पाचन प्रक्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस प्रकार सुबह यदि सेब का सेवन किया जाता है तो यह आपके मल त्याग को आसान बना देता है। आपको जिंदगी भर कब्ज की समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही सुबह के समय सेब का सेवन करने से आपको पर्याप्त पोषक तत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। यह आपके वजन को कम करने में सहायक होता है, साथ ही आपकी अच्छी त्वचा और स्वस्थ शरीर के लिए लाभकारी होता है। दोस्तों, सेब के खाने से किसी विशेष प्रकार का खतरा तो नहीं होता, लेकिन हर चीज को अगर गलत तरीके से खाया जाए तो उसका नुकसान भी हो सकता है। सेब के बीजों में साइनाइड होता है, यह एक शक्तिशाली जहर है, इसलिए भूलकर भी सेबों के बीज का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे आपको काफी हानि हो सकती है। दोस्तों, सेब में अमल की मात्रा ज्यादा होती है। ये अमल कार्बन युक्त पेय पदार्थ से दांतों में 4 गुना ज्यादा हानिकारक प्रभाव छोड़ सकते हैं, इसलिए सेब का निश्चित मात्रा में ही सेवन करें। ज्यादा लाभ पाने के चक्कर में उसका एक से ज्यादा का सेवन ना करें। सबसे अच्छा यही होगा कि रोजाना आप सुबह सुबह एक सेब ही खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके ढेरों फायदे होंगे। जैसे अगर आप सेब का नियमित सेवन करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो ओवरवेट की प्रॉब्लम है, वजन बढ़ने की परेशानी है, वो कमजोर हो जाए, क्योंकि इसमें उपस्थित लौह तत्व हमारे शरीर को मजबूती देते हैं। सेब में कैलोरी अधिक मात्रा में होती है, इसमें उपस्थित शर्करा पाचन क्रिया को बढ़ाती है। शोध से पता चलता है कि सेब में ग्रेनिसिम्स बैक्टीरिया होता है, जो आंतों के लिए अनुकूलित होता है। यह मोटापे और उससे संबंधित अन्य रोगों को रोकने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, यदि आप सेब और दूध का एक साथ सेवन करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सेब में उपस्थित फाइबर और दूध में उपस्थित प्रोटीन दोनों मिलकर शरीर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करते हैं। यदि आप मधुमेह या उच्च रक्त शर्करा की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में एक गिलास दूध और सेब का उपयोग आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप मोटापे से ग्रसित हैं तो आप अपने वजन को कम करके अपनी रक्त शर्करा के स्तर, अपने शुगर के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटे सेब में केवल 60 कैलोरी होती है और एक कप दूध में 100 कैलोरी होती है। इस तरह से आपके लिए सेब और दूध का सेवन फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर लेडीजों में स्तन कैंसर की प्रॉब्लम है तो वो रोजाना अगर एक सेब खाती हैं तो उनका स्तन कैंसर भी ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें अधिक फेनोलिक्स पाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए और स्तन कैंसर के मरीजों के लिए यह सबसे अच्छा फल है। दोस्तों, सेब आपकी पाचन क्रिया को काफ़ी स्ट्रोंग बनाता है।
आपकी डाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को आसानी से पचा सकते हैं। यह आपके पेट से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है और आंतों के कामकाज में मदद करता है। इसमें उपस्थित पोषक तत्व पेट की अन्य समस्याओं जैसे कि अल्सर, गैस्ट्रिक्स, अम्लता को रोकने में सहायक हो सकते हैं। सेब का नियमित सेवन करने से दस्त और पेचिश से बचा जा सकता है। पेट से संबंधित सभी बीमारियों को सेब लगभग ठीक कर देता है। दोस्तों, सेब के अंदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का अच्छा उत्पादन होता है, जो मस्तिष्क में GABA न्यूटॉन के रासायनिक सत्र को संतुलित करता है, जिससे तनाव, चिड़चिड़ापन और अवसाद आदि में कमी आती है। यह आपकी काफ़ी बीमारियों को रोकने में सक्षम होता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को अगर स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो रोजाना सुबह सुबह एक सेब जरूर खाएं। दोस्तों, सेब में सोडियम और पोटेशियम का अच्छा संतुलन होता है, जो हमारे शरीर में रक्तचाप के कम या ज़्यादा होने पर उसे नियंत्रित करता है। सेब में उपस्थित मैग्नीशियम हृदय की मांसपेशियों को फैलाने में मदद करता है, साथ ही झटके और ऐंठन को कम करने में मदद करता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप उठ रहे हैं तो आपके पैरों में एकदम से खिंचाव आ जाता है, उसकी नसें फूल जाती हैं, जिसे कई बार नस पे नस चढ़ना भी बोलते हैं। ये उस तरह की समस्याओं को भी दूर करता है। सेब में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होने के कारण शरीर में पानी और जोड़ों से निकलने वाले एसिड को नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम गठिया और गठिया के लक्षणों को कम करने में लाभकारी होता है। सेब में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी को दूर कर उन्हें मजबूत बनाता है और आपके जोड़ों का और गठिया दर्द से आपको छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, सेब आपकी त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व शामिल होते हैं, जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। दोस्तों, आप मेरे बताए तरीके से अगर सेब को इस्तेमाल करेंगे, फिर देखिए आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे और लोगों के साथ शेयर करें और ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।